हिमाचल के बजट को सोलन वासियों ने भी बहुत सराहा है और कहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो बजट पेश किया गया है वे बेहद सराहनीय हैं। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के उपरांत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर के इस बजट से सभी के विलोम को छू लिया है। बजट में जहां एक ओर आज किसान खुश नजर आ रहे हैं, वहीं युवाओं के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में अच्छा प्रावधान किया गया है। वहीं बेरोजगारों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए योजनाएं भी रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में जहां कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है, वहीं पेंशनरों और वेतन भोगियों को भी बजट में स्थान दिया गया है। उद्योगपति भी इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार, नई सरकार ने बजट जो प्रेजेंट किया है, ऑलमोस्ट हर तबके के लोगों का ख्याल रख के बजट पेश किया है। हालांकि सरकार को अभी बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ है पावर में आए, और मुश्किल काम था असेस करना सारी सिचुएशन को। जैसे गौवंश के लिए पहली बार हिमाचल में पहली बार कुछ प्रोडक्टिव हुआ है, और किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम चलाई है। आज जयराम ठाकुर ने जो बजट पेश किया है सबके, मतलब कि हर एक वर्ग के हित में है। इसमें जो ये बजट है, इसमें हर एक वर्ग को ध्यान रख कर ये बजट पेश किया गया है। इसमें आम जनता, सभी वर्ग, युवा वर्ग जो भी है, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इस बजट से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो हिमाचल सरकार ने बजट तैयार किया है, यूथ के लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे जो अनएम्प्लॉयड जो हमारे यंगस्टर होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और होप करते हैं कि इन फ्यूचर भी ये ऐसे ही बजट बनाते रहेंगे, और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जयराम सरकार के जो बजट है, पहला बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है, जिसमें कि 3 लाख से कम आय के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम का इस बजट में निकाला है, और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। एक छोटा मोटा व्यापार करने के लिए भी 1% आपको ब्याज पर जो है भूमि गवर्नमेंट इसमें देगी, और जो कि आपको 40 लाख तक के लोन में आपको 25% जो इसमें सब्सिडी है, वो बहुत ही अच्छा और एक सुनहरा अवसर युवाओं के लिए दिया है। नौकरी पेशाओं वालों के लिए भी बहुत अच्छा, इस सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है।